वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस इज मी रिशा। तो मैं आज आपके साथ ये मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। सो ये काफी ज्यादा अच्छा मेकअप लुक है एंड समर के लिए भी बहुत ज्यादा इजी है। भी जाना चाहते हैं मार्केट या कहीं भी, सो आप ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। समर्स पे काफी ज्यादा अच्छा है, स्वेट प्रूफ है एंड आपको बहुत ज्यादा हैवी भी बेस नहीं रखना पड़ेगा। इजी सिंपल मेकअप लुक है, आप इसको लिप ग्लॉस के साथ कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रिटी लगेगा ये मेकअप लुक। एंड ये मैंने चिकनकारी कुर्ते के साथ किया हुआ है। सो आप किसी भी कलर के कोई भी टाइप के अगर आप सूट या कुर्ता वगैरह पहन रहे हैं सो उसके लिए भी ये एक परफेक्ट मेकअप लुक है। मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, आपको कैसा लगा? सिंपल सा मेकअप लुक है एंड अगर आपको ये अच्छा लग रहा है एंड आपको देखना है ये कैसे किया है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। उसके साथ साथ बेल बटन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और जाके बहुत सारी प्लेलिस्ट है उसको भी चेक कर लेना, आपको अच्छी अच्छी वीडियोज मिल जाएंगी। सो लेट गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो चलिए हम अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं प्राइमर से। यहाँ पे मैं अच्छे से स्किन केयर कर चुकी हूँ अपना एंड देन यहाँ पे अब हम प्राइमर लगाएंगे। सो ये एक इंस्पायर्ड मेकअप है, नॉट फुल इंस्पायर्ड मेकअप, दिस इज सॉर्ट ऑफ इंस्पायर्ड मेकअप। सो ये लुक मुझे हीर का बहुत ज़्यादा पसंद है। सो हीर एंड सो जो हीरोइन है उसका नाम हीर है, जो मैंने पिक्स भी ऐड करी हुई हैं। सो ये एक पाकिस्तानी ड्रामा है, रोमियो वेट्स हीर। सो उसकी जो हीरोइन है हीर, सो उसका ये थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ इंस्पायर्ड मेकअप लुक है। सो फर्स्ट यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कंसीलर, यहाँ पे मैंने फिट मी कंसीलर लगाया बाय मेबलिन एंड उसकी हेल्प से मैं अपनी अंडर आईज में एंड यहाँ पे मेरा जो पिंपल थोड़ा सा हो गया सो उस पर लगा के मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। यहाँ पे मैं सुपर स्टे फाउंडेशन लगा रही हूँ बाय मेबलिन, कम ही लगाऊंगी मैं। सो ये जो मेकअप लुक है सो मुझे उसका लुक बहुत ज़्यादा पसंद है। वो डेली में या फिर कॉलेज या कहीं भी जाती है हीर, तो वो इस टाइप का मेकअप लुक करती है। सो इसलिए मैंने ये मेकअप लुक ट्राई किया है। देन यहाँ पे मैंने अच्छे से अपना जो फाउंडेशन ब्लेंड कर लिया है। देन यहाँ पे हम बेकिंग करने के बाद हम यहाँ पे अपना गोच कॉम्पैक्ट लगाएंगे। मीन जहाँ जहाँ हमने बेकिंग नहीं किया वहाँ पे हम कॉम्पैक्ट लगाएंगे बाय फेस स्कैंडर एंड देन हम अच्छे से अपना कॉम्पैक्ट लगा लेंगे एंड देन मेकिंग को हम रिमूव कर देंगे किसी भी ब्रश की हेल्प से एंड उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे अपने और मेकअप की तरफ। एंड यहाँ पे मैंने थोड़े से अपने हेयर्स को कर्ल भी किया था एंड यहाँ पे मैं ब्रोंजर यूज़ करी हूँ बाय शुगर कॉस्मेटिक्स एंड उससे अच्छे से हम अपनी चिक बोन्स को ब्रॉन्ज करेंगे एंड नोज़ को भी। यहाँ पे मैं फिंगर से ही अपनी नोज़ को ब्रॉन्ज करी हूँ या फिर आप कॉन्टोर बोले कॉन्टोर कर रही हूँ एंड इससे एक हमें चिजल फेस मिल जाता है। देन यहाँ पे मैं ये पिंक एंड थोड़ा सा ऑरेंजी कोरल कलर को लेके दोनों को मिक्स करके अच्छे से ब्लश लगाऊंगी। यहाँ पे मैं आई शेडो यूज़ कर रही हूँ फॉर ब्लश, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आई शेडो से भी ब्लश लग जाता है अगर आपके पास अच्छे प्रॉपर कलर्स हो जो आपको चाहिए। देन उसके बाद हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे एंड मुझे परफेक्ट कोरल जो पिंक कलर होते हैं उस वो ब्लशेस बहुत ज़्यादा पसंद है। सो इसलिए मैं कभी कभी आई शेडो भी यूज़ कर लेती हूँ एंड अच्छे से लग जाता है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ब्लश बहुत सारा लगाना। एंड अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं मास्टर क्रोम हाइलाइटर। सो हाइलाइटर लगा रही हूँ बाय मेबलिन मास्टर क्रोम एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हाइलाइटर है ये, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी कौन सा था। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप इसको बिल्ड कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी। सो ये रहा हमारा हाइलाइटर। देन यहाँ पे आई मेकअप करेंगे, बहुत ज़्यादा ईजी आई मेकअप होने वाला है। आपको सिर्फ पिंक कलर लेना है, आपको अपनी क्रीज पे लगा के ब्लेंड कर लेना है, आपको ब्लेंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखनी है और आपको कुछ नहीं करना है। एंड आपको सेम लोअर लैश लाइन पे भी पिंक कलर लगा लेना है एंड आपको ब्लेंड कर लेना है। देन यहाँ पे आपको लेना है गोल्डन कलर एंड गोल्डन कलर को आपको अपने इनर कॉर्नर से लेके मिडिल ऑफ द आई तक लगाना है एंड ब्लेंड कर लेना है पिंक कलर के साथ जो आपका क्रीज का कलर है, या फिर आप अपना ब्रश उठा सकते हैं फिर से उसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं आपको। फिर यहाँ पर मैंने कर्ल की है अपनी लैशेज को कलर की हेल्प से। देन यहाँ पर मैं मस्कारा लगा रही हूँ बाय मेबलिन, अच्छे से हम अपने लैशेज को कोट कर लेंगे मस्कारा की हेल्प से, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी हमारी लैशेज बिकॉज हम फॉल्सेज नहीं लगा रहे, डेली मेकअप लुक एवरीडे सॉर्ट ऑफ है ये इसीलिए। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे मैं सेम मस्कारा को अपने आईब्रोज पे भी लगा ले रही हूँ थोड़ा सा एंड मैंने अपने अपने आईब्रोज पे भी लगा रही हूँ एंड आईब्रोज को मैंने अच्छे से फिल कर लिया है। देन यहाँ पे आपको काजल लेना है, आपको अच्छा सा हैवी काजल लगा लेना है एंड आपको उसको ब्लेंड करना है। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर की हेल्प से अपने काजल को ब्लेंड कर लूँगी एंड दोनों तरफ हमने लगा लिया एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आई लुक लग रहा है एंड हमने बहुत कुछ किया भी नहीं है सो इसीलिए। एंड यहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगा ली है बाय मार्स पिंक कोरल कलर में, आपको लगाना है या कोई भी आप कोरल सॉर्ट ऑफ लगा सकते हैं न्यूड में तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। सो हमारा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया मेकअप लुक। आप घर में भी अगर आप खुद तैयार होना चाहते हैं एवरीडे तो आप कर सकते हैं इन कुर्ती के ऊपर या आप कुछ भी टाइप का सूट पहने तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। सो अब आपको ये पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।